हर 3 साल के बाद जो है धनबाद प्रेस क्लब का चुनाव होता है। उस चुनाव में ये निर्णय होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष और कौन कोषाध्यक्ष और कौन कार्यकारिणी समिति के सदस्य। सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा नहीं, जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो भी एक्टिव मेंबर हैं धनबाद प्रेस क्लब का, उसके द्वारा चुने गए सदस्यों पर आधारित होता है। समय इस साल भी आ गया था, यानी कि हर 3 साल के बाद होता है। और धनबाद प्रेस क्लब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पुलिस प्रशासन, नेता, घटना, दुर्घटना यानी कि जनता, इस सारे के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि बिना मीडिया के कोई भी सूचना किसी को नहीं मिल सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है, प्रेस क्लब का गठन और उसकी ताकत इस बात का गवाह है कि आज के डेट में, आज के सामने जो सारे न्यूज निष्पक्ष के साथ जो रखा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, यथार्थ का दर्शन कराया जा रहा है, सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है, तो ये है आपका प्रेस यानी कि मीडिया जिसे कह सकते हैं। और इसमें 3 कैटेगरी आता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अब जुड़ गया है सोशल मीडिया। तो धनबाद प्रेस क्लब में इस बार चुनाव की सरगर्मी काफी तेज थी। सब लोग 21 पदों के लिए चुनाव होना तय था, जिसमें टोटल सदस्य 221 थे। चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ और शाम के 4 बजे तक चला। इसमें अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार खड़े थे, संजीव झा, रामजी यादव और विनोद त्रिपाठी जी, जिसमें सबसे अधिक संजीव झा 147 वोट ला करके धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोनीत। और इसके बाद जो अहम भूमिका होती है वो है उपाध्यक्ष की। इसमें शशि भूषण राय ने 85 वोट हासिल किया और इस पद के लिए अभिषेक कुमार उर्फ कुमार अभिषेक सिंह को पछाड़ दिया। महासचिव पद पर अजय प्रसाद ने 94 वोट हासिल किया और आशीष अम्बस्ट को पीछे छोड़ दिया 10 वोटों से। कोषाध्यक्ष पद के लिए सबसे कांटे की टक्कर रही मात्र 1 वोट से। मनोज कुमार शर्मा ने 110 वोट हासिल किया, वहीं उनके प्रतिद्वंदी लखन कुमार को 109 वोट मिले। उपाध्यक्ष के लिए 5 पद पर ये जीत इस प्रकार से है: बलवंत कुमार, शरद चंद्र पांडे, प्रतीक पोपट, अमर कुमार, सुरेश यादव। अब बारी है 5 सचिव की। 5 सचिव में मोहन गोप, नवीन कुमार, संजय चौरसिया, चंदन पाल व राममूर्ति पाठक। हमारी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, 7 पद पर जीते गए: विक्की कुमार, शिल्पा सिंह, संभावी सिंह, रोशन कुमार, गोपाल प्रसाद, विपिन कुमार रजक, कन्हैया पांडे। तो ये प्रेस क्लब का सबसे बड़ा समागम और इस बार खुशी उल्लास देखने को बनता है। और ये अपडेट समाचार लगातार आपको मिलते रहेगा प्रेस क्लब की तरफ से। आप देख रहे हैं सब पर नजर। तो आज जो है हमारे अजय जी जीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल है कि अजय जी जीतने के बाद पहला कदम पत्रकारों के हित के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा एजेंडा में भी है, सबसे पहला काम है मेरा कि जो नया भवन बना हुआ है पत्रकारों के लिए जी। वो विधिवत मतलब मैंने प्रशासनिक तरीके से हमारे पत्रकारों के लिए उसको लेना, ये सबसे पहला काम होगा। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, क्या हमारे जो पत्रकार हैं क्या उनको पेंशन या तनख्वाह ऐसा कुछ सरकार से मिलना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, जो भी सरकारी ये होगा वो निश्चित रूप से उसको हम लोग लग करके, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, राज्यपाल से मिलना हो, जहां भी जाना हो, लेकिन जा करके हम पत्रकारों के हित के लिए आगे बढ़ेंगे और जितना भी हो सकेगा मैं उतना कार्य करूँगा। एक सवाल और है, आपको पता है कि पत्रकार के पास अपना ना कोई जगह है, ना जमीन है, ना आसमान है, ना छत। उसके लिए भी मैंने अपने मेमोरेंडम में लिखा है जी, अगर मैं भविष्य में पत्रकारों के रहने के लिए भी, मैं BCCL से, आपको आपको रेलवे से और जिला प्रशासन से, सरकार से लेकर के इसको सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करा करके संस्था को, और सोसाइटी एक्ट में सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए जगह दिया जाता है, जिस तरह पटना में पत्रकार नगर बसा हुआ है, यूपी में बसा हुआ, उस तरह मैं धनबाद में पत्रकार नगर बसाऊंगा, ये मेरा वादा है। एक लास्ट संदेश,
पत्रकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस पत्रकार भाई सब लोग देखिए, यहाँ पे जो भी जीते हैं सब पत्रकार हैं, कोई जीत ये कोई नहीं कि जीत है, बहुत बड़ा जीत है। सब पत्रकार ने हमको वोट दिया, आपको वोट, उनको वोट दिया। जो हमारा आशीष ट्रम्बस्ट भाई जीता है वो भी हमारा बहुत अच्छा छोटा भाई है, समझे। लेकिन इसलिए किसी तरह का किसी में दुर्व्यवहार या ऐसा बात नहीं होना चाहिए जिससे कि पत्रकारों को ऐसा लगे एक दृष्टि से कोई पत्रकारों को ना देखे। और दूसरा चीज़, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या पोर्ट और पोर्टल वाला, ये चीज़ को मैं ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि ऐसा ना हो। सब पत्रकार है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो पोर्टल का हो और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, मैं सबको एक नज़र से देखूंगा और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करूंगा। अभी हमारे बीच में हैं जो जीती हुई प्रत्याशी हैं, सबसे पहले इनका हम परिचय लेंगे और जानेंगे कि इनका ये खुशी का आलम क्या है। पहले नाम बताइए। शिल्पा सिंह, सिट लाइव न्यूज़ चैनल से। ये चीज बताइए कि अभी जो आपने जीता इसके पीछे आपके अंदर क्या मच रहा है? ऑब्वियसली जीत की खुशी तो सब किसी को होती है, लेकिन ये सभी जितने भी हमारे पत्रकार साथी रहे सभी का आशीर्वाद रहा, सभी का प्यार रहा, जिसकी वजह से आज मुझे ये जीत हासिल हुई और इसका पूरा श्रेय मैं इनको ही देती हूँ। अच्छा एक ये बताइए, जीत के बाद आपका पहला कदम क्या होगा बाकी प्रेस रिपोर्टर के लिए? हाँ, तो जैसे कि जो मेरा पद है वो कार्यकारिणी सदस्य का है, तो ये पूरी संगठन है, हमारी टीम है, तो जो ऊपर के जो टीम मेंबर्स होंगे जो वो करेंगे उसमें जिस तरीके से मुझे लगेगा कि ये कार्य है और इसमें मैं जैसे भी सहयोग दे सकती हूँ मैं उसमें उस तरीके से सहयोग देने की पूरी कोशिश करूँगी जिससे पत्रकारों का हित हो। अपना परिचय दीजिए। मैं निधिया शिल्पा सिंह, सिट लाइव न्यूज़ चैनल से, सब एडिटर के पोस्ट पर हूँ। थैंक यू। आज जो खुशी का माहौल है, प्रेस क्लब यानी कि धनबाद का प्रेस क्लब ही डिसाइड करता है कि 2024 का विधानसभा कौन जीतेगा। बिना प्रेस क्लब के माध्यम से ये संभव हो ही नहीं सकता है। और आज प्रेस क्लब का चुनाव था, उसका नतीजा आपके सामने है और अभी हमारे सामने है उपाध्यक्ष महोदय जी जिन्होंने जीता है। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, क्या नाम है जी? बलवंत कुमार। और आप किस पोस्ट के लिए आप लड़े थे? हम उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे। और आपने जीत हासिल किया? जी हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि मीडिया के लिए यानी कि प्रेस रिपोर्टर के लिए आप उपाध्यक्ष पद के लिए हैं, उनके लिए क्या कुछ करना पसंद करेंगे? कृष्णा जी, मैंने शुरू से ही मैं एक बात की मांग करता रहा हूँ कि हम पत्रकार बेसिकली हमारा काम जो होता है रोड पर का होता है, और मेरी मैं कोशिश यही करूँगा जो मैंने वादा भी किया है कि पत्रकारों के सामूहिक बीमा के लिए जो हो सकेगा मैं वो काम करूँगा। मेरा एक ही वादा रहा है, बीमा हो, चाहे राज्य सरकार चाहो या प्रेस क्लब करा के दे। अच्छा एक छोटा सा सवाल और है, क्या पत्रकार को तनख्वाह मिलती है? जी हाँ, पत्रकारों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन ऐसा है कि हर कंपनी के अपना अपना प्रावधान है, हर कंपनी अपने नियम से अपने कानून से चलती है। जिन कानून में, जिन कंपनियों में मीडिया हाउस का अपना प्रावधान है कि हमारे यहाँ परमानेंट स्टाफ रहेंगे, स्ट्रिंगर रहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल रहेंगे, उनको है। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या प्रावधान है उनकी कंपनियाँ बेहतर जानती हैं, वो कैसे उनको करती हैं। लेकिन एक सवाल है कि जिनके पास ये प्रावधान नहीं है कि उनको तनख्वाह मिलती है, आखिर वो लोग का सर्वाइवर के लिए क्या आप लोग कुछ प्लान किए हैं? उनके सर्वाइवर के लिए हम लोग बात करेंगे, अब नई कमेटी आ रही है, अब कमेटी की बैठकें होंगी, उसमें जो भी निर्णय होगा इस मुद्दे को बात करके रखा जाएगा और कमेटी को निर्णय लेना है, अकेला मेरा निर्णय नहीं है, या पूरी कमेटी 21 लोगों की कमेटी है और 21 लोगों की बैठक होगी और सभी संवेदनशील व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी पदाधिकारी अभी तक जो जीते हैं सभी संवेदनशील हैं और इस मुद्दे पर शायद गंभीर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सी हैं आज की डेट में, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव तो बाद में होगा लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है ये विधानसभा चुनाव फाइनल करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि बिना प्रेस के कोई भी चुनाव का फाइनलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अमरजीत कुमार अमर उपाध्यक्ष पे जीता हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। और ये चीज़ बताइए कि आप जीतने के बाद प्रेस मीडिया के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जो मैंने घोषणा किया था पत्रकारों के बीच रहना, उस स्वास्थ्य आवास जो हमसे बन पाएगा, आवास ये चीज़ बताइए कि आवास जो है, क्योंकि कोई भी पत्रकार के लिए आज तक
ना ही झारखंड सरकार, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है। आप इसके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? जो अध्यक्ष बनेंगे हम लोग का, जो 21 सदस्य हैं, सब इसका प्रस्ताव रखा जाएगा कि जिनके पास नहीं है, जो इनका दरकार है, उनको मुहि कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत हो। ये जीत जो है आने वाला भविष्य में हमारे पत्रकारों के लिए एक अच्छा आयाम सामने रखेगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।